वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी कैसे हो आप सब तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि मेकअप लुक तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले मैं जो है जा आ रही हूँ अपने स्किन केयर करने तो स्किन केयर करने के लिए मैंने नीविया का मॉइस्चराइज़र लिया है और अपने फेस पे फे बहुत ही अच्छे से जो है यू you नो know, अप्लाई कर लिया है देन यहाँ पे मैं नीविया के है लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और ये चेरी रेड लिप बाम है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर देती है तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई कर ले रही हूँ एंड या मेरा स्किन केयर डन उसके बाद मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है गाइस बहुत अच्छा प्राइमर है तो प्राइमर लगाने से क्या होता है ना कि जब भी आप कोई फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं मेकअप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपका मेकअप बहुत ही इवन लगता है तो इसको मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है अब यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ गाइस और ये इल्यूमिनेटर हमारा जो मेकअप है उसको बहुत ही अच्छे से यू नो शाइन देता है तो ऑब्वियसली जब हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं या जब किसी यू नो हम घर के फेस्टिवल में भी हम रेडी हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप बहुत ही अच्छा लगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और आप भी करेंगे तो वॉकिंग गाइस आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये और जैसा कि आप सबको पता है एंड लुक एट द शाइन गाइस मैं वही आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कैमरा एंड जैसा कि आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा रात में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है तो बहुत सब लोग जाते हैं यू नो देखने सारी चीज़ें प्रिपरेशन वगैरह मंदिर में जाते हैं तो उस टाइम पे रेडी हो जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पर नाइट्स नाइट मेकअप ही शेयर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने वेटन वाइल्ड का कंसीलर लिया है और मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था कंसीलर अपने फेस पे तो मैंने जो है ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर रोज़ मिस्ट जो है गुड वाइब्स का उसको स्प्रे कर दिया है और देन मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ तो इससे क्या होता है कि जो आपका कंसीलर होता है ना वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बहुत ही इवनली ब्लेंड हो जाता है देन यहाँ पे मैं बिला वोस्टे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ एंड गाइस दिस कॉम्पैक्ट इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन तो नेक्स्ट मैं ग्लैम ट्वेंटी वन एच प्रो के आई शाडो पैलेट से मैंने एक डार्क ब्राउन कलर पिक किया है और इससे मैं मेकअप बेस आई बेस जो है रेडी कर रही हूँ तो जो है इस बार मैंने एक ब्राउन कलर लिया जो बहुत ही ब्यूटीफुल है इसके बाद ये ब्लेंडिंग ब्रश आप देख रहे हैं ना इससे मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ तो गाइस जब भी आप आई मेकअप करिए ना तो हमेशा अच्छे से ब्लेंड करिए तो ही आपका मेकअप जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा तो जो है इस तरीके से मैं प्रॉपर टाइम ले कर के ब्लेंड कर रही हूँ और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा होगा नेक्स्ट मैं पीच कलर पिक कर रही हूँ और पीच कलर आप देख सकते हैं और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको जो है यू नो प्लेस कर रही हूँ एंड ब्लेंड किया मैंने देन एक ब्लू कलर ले रही हूं और इस पर मैंने क्या किया ना मैंने कोई येलो कलर की ड्रेस पहनी थी तो येलो एंड गोल्डन कलर का आई मेकअप नहीं किया है मैंने किया है कॉन्ट्रास्ट में तो मैंने ब्लू कलर का जो है आई मेकअप किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था देन मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश ले रही हूँ उसकी हेल्प से मैं लोअर आई लैशेज पे अपना यू नो ब्लू कलर को स्मर्च कर रही हूँ जिससे जो मेरा आई मेकअप है बहुत ही ब्यूटीफुल लगे देन यहाँ पे जो फॉल आउट हुआ था उसको मैं अच्छे से यू नो ब्रश से क्लीन कर ले रही हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप uh, टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो गाइज मैं यहाँ पे आईब्रो बनाने के लिए ब्रश ले रही हूँ उसमें मैंने पिक किया है डार्क ब्राउन कलर और इसको अच्छी तरीके से यू you नो know, Uh, जो है ब्लेंड कर रही हूँ इससे क्या होता है ना कि क्या होता है आप हमेशा आई पेंसिल आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं बट अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप अपने यू you नो know, आई शेडो पैलेट से भी अपने आईब्रोज को जो है फिल कर सकते हैं और मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ मे बिल न्यूयॉर्क का और गाइज ये काजल बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बहुत अच्छा है वाटर प्रूफ है स्मच प्रूफ है एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस देन मैं यहाँ पे अपने आई लैशज को कर्ल कर रही हूँ आई लैशेज कलर से एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी मे न्यूयॉर्क का मस्कारा और ये मस्कारा गाइस बहुत अच्छा है इतना अच्छा है कि आपको यू you नो know, जो फॉल्स आई होती है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से डबल कोट हमेशा अप्लाई कीजिए मस्कारा बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये मस्कारा भी स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है तो मे न्यूयॉर्क के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं गाइस इसके बाद मैं यहाँ पे एस क्यू का लिक्विड आई लाइनर लगा रही हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी नो ब्लू आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टर्नआउट होके आया है हमारा आई कलर तो इस तरीके से आप भी जो है दुर्गा पूजा में बहुत ही ब्यूटीफुली अपने इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं गाइस इस मेकअप को आप जरूर जो है करिएगा ट्राई करिएगा आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले सच बता रही हूँ मैं देन मैं यहाँ पे अपना आई फेस मेकअप कर रही हूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैकमे का फाउंडेशन लिया है बेसिकली मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी क्रीम यूज करती हूँ इसमें जो फाउंडेशन जरूरत नहीं पड़े बट ये एक फेस्टिवल मेकअप लुक है तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन है लैक का एंड इसके बाद ज़्यादा मैं इसमें फेस मेकअप करूँगी नहीं क्योंकि आई मेकअप काफ़ी हैवी किया हुआ है मैंने तो इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड ब्लेंडिंग गाइस पूरा टाइम लीजिए बहुत ज़रूरी देन मैं यहाँ पर लैकमे के नाइन टू फाइव सी सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और गाइस ये क्रीम ना अगर आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये गाइस इतनी अच्छी आपको कवरेज देता है लगेगा ही नहीं कि आपको फाउंडेशन यूज़ करना है इसलिए मैं कोई भी मेकअप में बहुत जल्दी फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ और गाइज़ कम प्रोडक्ट्स में आपका जो मेकअप है अगर ब्यूटीफुल लगे तो फिर क्या मतलब यू नो ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है ना इसके बाद जो है मैं इसको ब्रश की हेल्प से एक अच्छे से ब्लेंड कर लिया देन मैं यहाँ पे बिला वोस्टे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ और ब्रश की हेल्प से अगाइज ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है ये इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है तो गाइज़ आपका जो पूरा मेकअप होता है ना वो ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड होता है इसके बाद में यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर है इसको मैं एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी और गाइज ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास मेकअप फिक्सर हो ही आप जो है यू you नो know, टोनर को भी अपना मेकअप फिक्सर आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए मेरे कहने पर स्प्रे यूज़ कीजिए एज अ you यू know, नो टोनर को यूज़ कीजिए एज अ मेकअप फिक्सर स्प्रे देन मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ ये कांटोरिंग ग्लैम ट्वेंटी वन एच डी प्रो के कांटोरिंग पैलेट से और मैं अपनी जॉ लाइन को अच्छे से शार्प कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का यू you नो know, ये है ब्लश और गाइस ब्लू हेवन का ब्लश बहुत अच्छा है बजट फ्रेंडली है और आपके जो चीक्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं यहाँ पर मैं आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ अगर आपके ब्लश बहुत ज़्यादा हो गए ना तो आपको उंगलियों से थोड़ा थोड़ा हटा देना चाहिए आपको टिश्यू पेपर या हैंकी नहीं यूज करना चाहिए अदरवाइज आपका पूरा मेकअप भी खराब हो सकता है देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ और गाइज ये हाईलाइटर बहुत अच्छा है नाइट मेकअप के लिए दिस हाईलाइटर इज बेस्ट का बेस्ट तो इसको बहुत ही अच्छे से मैं जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ अपने यू नो फोर और चीक्स फोर इसलिए करना होता है ना गाइज क्योंकि आपकी जो फेस uh, है बहुत ही अच्छे से शाइन करता है देन मैं एक पतली ब्रश की हेल्प से जो है यहाँ पे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और जो है थोड़ा सा ब्रॉ बोन हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ब्रॉ बोन में ना यू नो जब आप एक अच्छा सा मेकअप करते हैं ना एकदम यू नो तो, मतलब क्या होता है ना कि ये फेस्टिवल बंगालीज़ का होता है स्पेशली तो उनका फुल मेकअप करते वो तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की है इसके बाद यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड गाइस दिस लिपस्टिक इज़ द मेकअप चेंजर इतना ब्यूटीफुल ये मेकअप हो गया ना इस लिपस्टिक के थ्रू सच में गाइज अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक चूज़ कर लेते ना और ये लिपस्टिक का नाम है ट्रॉफी वाइफ तो इसको आप अच्छे से यू you नो know, अप्लाई कीजिए अपने लिप्स के ऊपर और उसके पहले थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है अपने लिप पे क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम uh, मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारा जो मेकअप है जो हमारा लिपस्टिक है वो थोड़ा सा यू नो ड्राई लगता है एंड दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक तो गाइस कैसा लगा जरूर